हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी सा डिश, जो कि बनाने में बहुत इजी है और बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है। वो है गुलगुले, जो कि हम गुड़ के साथ बनाएंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने गुड़ का मतलब जो गुलगुले के लिए मैंने गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है पानी में, और मैं ऐसे ही उसको बनाऊंगी गुड़ के पानी से, ना कि पूरी तरह चीनी से या फिर पूरी तरह से गुड़ को ये करके। तो चलिए अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब जब भी अगर कभी गुड़ को मेल्ट करके ऐसे गुलगुले बनाए तो आप ज़रूर उसको छान लीजिए, क्योंकि छानने से क्या होता है ना, जितनी भी हमारे गुड़ में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी इसमें निकल जाती हैं, कुछ भी इम्प्योरिटीज़ इसमें नहीं रहता है। तो अब आप देखिए हमारा जो गुड़ का पानी है कितना साफ़ और कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको आप अभी ऐसे थोड़ा सा उसको वार्म होने दीजिए। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे जो हमको गुलगुले बनाने हैं उसके लिए आटा मैंने लिया है। तो आटे में अब इसको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको ऊपर से थोड़े से भी पानी नहीं डालना है। इसके लिए मैंने क्या किया है, ये गुलगुले के पानी को थोड़ा सा मैंने उसको रख दिया है, ताकि जो मेरे को अगर थोड़ा सा पानी ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें ऐड ऑन कर सकूँ। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आस्ते आस्ते करके इस गुलगुले के पानी को ब्लेंड करते हैं। आस्ते आस्ते थोड़ा सा इसको मिलाते रहेंगे। तो देख ही पा रहे होंगे आप कि इसमें मैंने उतना ही आटा लिया है जितना कि मेरे को ज़रूरत है, ना कि मैंने थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया है। इसको आपको इसी तरह फेंटते रहना है, नहीं तो इसमें क्या होंगे, जैसे जो पानी के साथ ऐड होंगे वो थोड़े थोड़े बबल्स आने लग जाएंगे। तो इस तरह आपको पूरी तरह उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहना है। आप ज़रूर इस प्रोसेस में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके गुलगुले कितने अच्छे और कितने फ्लफी बनेंगे। गुड़ के साथ तो बहुत हेल्दी भी होता है और खाने में भी अच्छा भी लगता है। तो गिव इट अ ट्राई। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जस्ट हल्का सा थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि वो थोड़ा सा उसको बैलेंस कर सके, और हल्का सा बेकिंग पाउडर, ताकि उसमें थोड़ा सा वो केक की तरह उसका वो थोड़ा सा जो फ्लफीपन होता है वो थोड़ा सा आए। तो इसको आपको जब ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसको आपको अच्छे से फेंटना है। फेंटने के तुरंत बाद ही आपको इसको बनाना है। तो अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने इसको कितने अच्छे से फेंटा है, और ये देखिए इसकी तो कढ़ाई में मैंने तेल लिया है। अब तेल में हम ऐड करेंगे जो हमने गुलगुले के जो बनाए हैं पेस्ट। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके बच्चे जो बिस्किट खाते हैं वो बिस्किट खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी और इतना हेल्दी होता है, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब पूरी तरह एकदम आप समझो डोनेट की तरह होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख ही सक रहे होंगे कि जो मेरे गुलगुले हैं वो कितने अच्छी तरह फूल रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह फेंटा है। फेंटने से इसका जो टेस्ट है वो और भी एनहेरेंस होके आ रहा है। सो गिव इट अ ट्राई। देखिए हमारे गुलगुले बन के रेडी हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ है। सो गिव इट अ ट्राई, जो कि बहुत ही हेल्दी होगा, आपके बच्चों के लिए पूरी तरह फेवरेट होगा। सो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।